नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर। वी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो आपके लिए एक बड़ी ही मुसीबत का काम होगा प्रोडक्ट की फोटोग्राफी। जी हाँ, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। मैंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था और मैं उसकी फोटोग्राफी के लिए कुछ ऑप्शन ढूंढ रहा था। मेरा टारगेट होता है कि हर हफ्ते में एक नया प्रोडक्ट या फिर 15 दिन में एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाए। जब भी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट की फोटोग्राफी बाहर से अगर हम कराते हैं तो उसको जल्दी से कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। और मैं प्रॉपर उस सिटी में रहता हूँ, वहाँ पर कोई भी फोटोग्राफर ई कॉमर्स के लिए इतना प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं है। तो मैं खुद से ही ट्राई करता हूँ कि मैं खुद से ही कर लूँ। कुछ इक्विपमेंट मैंने ला रखे हैं तो मैं सर्च करता रहता हूँ। इसीलिए ही मेरे मोबाइल में एक बार एक ऐप आया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैं बहुत ही आसानी से वाइट बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी के फोटोग्राफ्स पिक्चर्स को ले सकता हूँ। बहुत ही सिंपल ऐप है, फ्री में अवेलेबल है, लेकिन इसका पेड वर्जन है। अगर आप इसको प्रो वर्जन्स या जो अच्छे ऑप्शंस हैं वो आपको चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है पे करने के लिए भी। लेकिन आप फ्री वाले को भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म iOS मतलब कि आईफोन और एंड्रॉयड पर अवेलेबल हैं। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि तो जो लाइटिंग है वो नेचुरल हो तो बहुत ही बेटर है, अच्छा होगा। मेरा जो ये रूम है इसमें सामने ही बहुत बड़ी विंडो बनाई हुई है मैंने लाइटिंग के लिए ही। ये प्लान एक्चुअली इसीलिए किया था मैंने अपने ऑफिस जो मैंने बनाया था कि यहाँ पर हम सारा काम अपना कर पाएँ, तो लाइटिंग का मैंने विशेष ध्यान रखा था। तो नेचुरल लाइटिंग होनी चाहिए तो सबसे बेस्ट है। आप बाकी आप अम्ब्रेला लाइटिंग वगैरह लेके भी कर सकते हैं। तो ऐप का नाम आपको बताता हूँ, ऐप का नाम है फोटो रूम। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे ही इसे आप ओपन करेंगे, आपको फ़ोटो खींचना है या फिर पहले से ही अगर आप फ़ोटो खींच लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो उसको आप वहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं और वो सब काम ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, हैवी ड्यूटी टाइल क्लीनर, ये बॉटल है मैं लेके आया हूँ। अभी इसमें हमने लिक्विड जो है वो फिल नहीं किया है, लेकिन इसी की हम फोटो आज लेंगे। और ये जो टेबल है यहीं पर मैं इसकी फ़ोटो लूँगा और पीछे जो बैकग्राउंड है ये आएगा, लेकिन आप देखेंगे उस ऐप के थ्रू वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये कैसे काम करेगा इसका आपको डेमो दे देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। मैं इसको कहीं भी, इस तरफ से काफ़ी अच्छी लाइटिंग आ रही है, बिल्कुल नेचुरल, सामने ही मेरे विंडो है काफ़ी बड़ी और यहाँ से सीधा इसके ऊपर लाइट आ रही है, तो जो क्वालिटी है पिक्चर की वो बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पर बैकग्राउंड में ये आएगा। मेरा जो मोबाइल है, मैंने रिसेंटली आईफोन 11 बाय किया है तो उसे मैं ले रहा हूँ। बाकी आप एंड्रॉयड को यूज़ कर सकते हैं, वीवो है, सैमसंग है, सभी मोबाइल्स में आजकल जो कैमरा है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। तो डिपेंड करेगा कि क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स की जो पिक्सल्स होंगे वो आपके कैमरे पर ही डिपेंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात और आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि अगर आपके पास में स्टैंड है तो बहुत बेटर है, ट्राईपॉड अगर आपके पास है मोबाइल को, जिससे कि वो हिले ना, आप हाथ से अगर लेते हैं तो वो हिलता है, तो इतना तो आप स्पेंड कर ही सकते हैं। अमेजोन से आप, मैंने भी अमेजोन बेसिक्स का ट्राईपॉड बाय किया हुआ है, 1000 रुपये में आई थिंक आया था, काफ़ी टाइम पहले किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं और उसको आप होल्डर पे लगा के आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ फ़ोटो खींच के, बाकी चीज़ें आप देखेंगे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे कि वो कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मैंने सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने सिंपल अपनी बॉटल रखी हुई है और इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी विंडो है बड़ी, जहाँ से सीधी लाइटिंग आ रही है। और यहाँ पर ये ट्राइपॉड है, यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको रख दिया है और आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल इसको सेटिंग की हुई है ये। अब हम इसको पिक्चर को लेते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके से ली जा सकती है, या तो आप डायरेक्टली फ़ोटो रूम ऐप है वहाँ पर आप इसको पिक्चर ले सकते हैं, या फिर पहले से ही पिक्चर ले सकते हैं, वहाँ पर भी ये काम करेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको पिक्चर ले लेते हैं यहाँ पर इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इसकी एक फ़ोटो ले रहा हूँ। तो जिस भी तरीके से आपको पिक्चर लेनी है, सामने से इसको, जिस भी एंगल से आपको लेना है पिक्चर वो आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल एक ही पिक्चर ले रहे हैं,
तो ये पिक्चर हमने ले लिया है, अब हम इसको मोबाइल में ट्राई करते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो एप्पल स्टोर में जाना है या फिर गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है आपको फोटो रूम एप्लीकेशन, फोटो रूम स्टूडियो, फिर आप उसको डाउनलोड करके सेटअप कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सेटअप कर लाया है, कर रखा है, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली। तो जैसे ही ओपन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लस का साइन होगा सबसे ऊपर में, और नीचे होंगी काफ़ी सारी फ़ोटोज़। सो ऊपर जो भी पिक्चर हम लोग ऐड करेंगे उनकी नीचे इस तरह की फ़ोटोज़ बन के रेडी हो जाएगी। तो आप प्लस पे साइन करें और अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करें और इस पर स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्कैनिंग प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप देखेंगे आपकी फ़ोटो रेडी हो गई है, वाइट बैकग्राउंड आ गया है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली। आप इसको सेव कर लीजिए फ़ोटोज़ में और उसको बाद में एडिट कर लेंगे हम लोग जो लोगो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो ये एडिट के ऑप्शन में जाएं और वहाँ से क्रॉप कर लीजिए आप पहले बॉटम साइड से, देन टॉप से, लेफ्ट से एंड राइट से, और अगर पिक्चर स्ट्रेट नहीं है तो उसको स्ट्रेट भी प्लीज़ कर लीजिए। स्ट्रेट करने के बाद में आप उसको सेव कर लीजिए एंड दैट्स इट, आपकी पिक्चर रेडी हो गई है ना। कितनी ईजी ऐप।